दोस्तों यहाँ पर मैंने दो मोबाइल लिया है, मतलब व्हाट्सएप पे 24 घंटे ऑनलाइन होते हुए भी दूसरे को ऑफलाइन कैसे दिखें। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ ट्रिक। और यहाँ तक कि इस ट्रिक में ये भी शामिल है, अगर आपको कोई भी मैसेज भेजकर डिलीट कर देता है तो उसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद उसको कैसे पढ़ें कि उसने मैसेज क्या भेज कर डिलीट किया, वो भी आप यहीं से कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दो मोबाइल लिया हूँ बिल्कुल आपको अच्छे से समझाने के लिए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत जाना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर डेमो दिखाता हूँ, अब जैसे यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप ओपन कर लिया और यहाँ पर ये व्हाट्सअप मैंने यहाँ पर ले लिया इसका, ठीक है। इस व्हाट्सअप का यहाँ पर मैंने ये खोल लिया रानी के नाम से। यहाँ देख सकते हैं 7:48 पर ये ऑनलाइन आया है, जबकि इस समय 7:56 हो रहा है। अब यहाँ पर मैं कोई भी मैसेज अगर भेजता हूँ, सब कुछ कुछ भी यहाँ पर लिख कर मैं भेज दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी मैसेज लिख कर भेजता हूँ तो सारे मैसेज आप देख सकते हैं इस पर आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसको इस तरीके से करना, और यहाँ पे जो बबल जैसा दिख रहा है इस पर क्लिक करके हम सारे मैसेज को पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो है कि 7:48 ही लास्ट सीन दिख रहा है, जबकि मैंने सारा मैसेज खोल कर पढ़ लिया और यहाँ पर ब्लैक डबल टिक ही दिख रहा है। और यहाँ तक कि अगर इस सारे मैसेज को मैं डिलीट भी करता हूँ तो यहाँ पर सारे मैसेज स्टोर रहेंगे। तो इसे कैसे होगा, ये सब कैसे आप करेंगे, इसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक होगा इस पर क्लिक करके ब्लू कर देना है, लाइक कर देना है, और यहाँ से लाल होगा इसको काला कर देना है, और यहाँ घंटी बटन को दबा के यहाँ पे ऑल प्रेस कर देना है, और यहाँ पे आपको कमेंट करना है नाइस ट्रिक, ठीक है। इतना सारा काम करने के बाद अब आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा उस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता दूँ, डायरेक्ट चैट इस एप्लीकेशन का नाम है, इसको आपको डाउनलोड करना है, लोगो आप देख लीजिए। उसके बाद आपको इसे क्लिक करके अपने परमिशन को, इस एप्लीकेशन के परमिशन को इनेबल कर देना है बस। उसके बाद कोई भी अगर आपको मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, कोई भी आपको मैसेज व्हाट्सएप पे करता है इस तरीके से, कुछ भी कोई भी मैसेज आपको व्हाट्सएप पे करता है, तो वो आपको अपने मेन व्हाट्सएप में जाने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आपको इस वाले बटन पे क्लिक करके यहीं से मैसेज को पढ़ लेना है और आपका लास्ट सीन बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, जो सेम टू सेम वहीं रहेगा। और कोई भी मैसेज यहां से करने के बाद डिलीट भी करता है तो इस एप्लीकेशन में स्टोर रहेगा, जब मन आप तब इस मैसेज को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना, थैंक यू सो मच।